नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हरिनाथ त्रिवेदी आज अपने इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें एवं लाइक करें, साथ साथ अपने मित्रों के साथ शेयर भी अवश्य करें ताकि इस वीडियो का लाभ अन्य लोग भी उठा सकें। जमाल घोटा के विषय में आपने बहुत सुना होगा। जमाल घोटा का सेवन करने के पश्चात बुरे परिणामों के विषय में भी आप जानते होंगे। बहुत ही ज़्यादा पतला पैखाना होने लगता है एवं शरीर कमज़ोर हो जाता है और कई तरह के बात आप लोगों ने जमाल घोटा के विषय में सुना होगा। आज मैं आप लोगों के साथ जमाल घोटा से बनने वाली होम्योपैथिक औषधि क्रोटोन टिगलियम के लक्षणों की चर्चा करने जा रहा हूँ। यह औषधि दस्तों, गर्मी के मौसम में होने वाले विकारों और चर्म रोगों में लाभदायक होती है। ये सब विकार आपस में अदल बदल कर आ सकते हैं। सारे शरीर पर तनाव या खिंचाव की अनुभूति होती है। यह सिरोंचा विष की प्रतिषेधक औषधि है। जैसा कि त्वचा तथा श्लेष्म तल पर इस औषधि के व्यापक और तीव्र प्रभाव से प्रकट होता है, फलस्वरूप यह क्षोभ और शोथ दोनों ही विकार पैदा करती है, जिसके साथ छाले बनते हैं तथा श्लेष्मिक स्राव होता है। चेहरे और जननेन्द्रियों के बाहरी भाग की त्वचा के साथ इस औषधि का विशेष आकर्षण है। ग्रास नली में जलन होती है। इसके मानसिक लक्षण हैं सिर में दर्द, विशेषतः नेत्र गोलकों में दबाव के साथ दर्द, आँखों के ऊपर स्वच्छ पटल पर नोकदार कीले या फुंसिया हो गई हो, आँखें लाल और खुरदरी दिखाई देती हैं। ऐसी अनुभूति होती है जैसे आँखें पीछे की ओर खींची जा रही हो। आँखों के इद्र गिद्र फुंसियाँ, दाई आँख के घेरे के ऊपर तनाव भरा दर्द महसूस हो तो क्रोटोन टिगलियम बहुत ही फायदा करता है। क्रोटोन टिगलियम, जिसे हम लोग आम भाषा में जमाल घोटा के नाम से जानते हैं, होम्योपैथिक में यह विशेष विषम औषधम के तर्ज पे काम करता है। इससे स्पष्ट निष्कर्ष यह निकलता है कि जो औषधि स्थूल मात्रा में सेवन करने से आपके शरीर में जो भी क्रिया उत्पन्न होती है उस क्रिया को ठीक करने के लिए होम्योपैथिक में अगर सूक्ष्म मात्रा में उस औषधि का सेवन किया जाए तो वह रोग ठीक हो जाता है। अगर पानी की तरह पतला मल निकले, मात्रा में अधिक, इसके साथ ही मल त्याग का भारी वेग, पखाना सदा ही बहुत जोर से बाहर निकलता है, इसके साथ ही आंतों में गड़गड़ाहट होती है, जरा सा पानी पीते ही या भोजन करते समय कष्ट बढ़ जाता है, मल त्याग का निरंतर वेग आता है, इसके बाद एकाएक पखाना आ जाता है, आंतों में ऐसी अनुभूति होती है जैसे उन्हें कोई पानी से धो रहा हो। इस परिस्थिति में क्रोटोन टिगलियम, जिसे हम लोग जमाल घोटा के नाम से जानते हैं, ये एक बहुत ही कारगर औषधि सिद्ध हुई है। मूत्र संबंधी रोग में पेशाब, रात को होने वाला पेशाब झागदार संतरे जैसा गहरे रंग का होता है, स्थिर रहने पर गदला, पेशाब के ऊपर चिकनाई तैरती नजर आती है। दिन में होने वाला पेशाब पीला होता है और सफ़ेद रंग की तलछट रहती है। इस परिस्थिति में भी क्रोटोन टिगलियम बहुत ही फायदेमंद औषधि सिद्ध हुई है। छाती के बाएं भाग से कमर तक खिंचाव के दर्द में क्रोटोन टिगलियम बहुत ही फायदा करती है। दमा के साथ खांसी, छाती नहीं फुला सकता, स्तनपान कराने वाली स्त्रियाँ स्तनपान करते समय जब जब बच्चा दूध की घूंट भरता है तब तब स्तन के पीछे पीठ तक दर्द होता हो, स्तन प्रदाहित हो, जैसे ही सिर तकिए से छूता है वैसे ही खांसी शुरू हो जाती है और तब विवश होकर बैठ जाना पड़ता है, गहरा सांस लेने से बचना चाहता है, ऐसे लक्षणों में भी क्रोटोन टिगलियम बहुत ही फायदेमंद औषधि है। चर्म रोग में ऐसा महसूस होता है जैसे
गीली खाल में बंधा हुआ हो, बहुत तेज खारिश होती है परंतु खुजलाने से दर्द होता है, पीप भरी फुंसियाँ विशेषतः चेहरे और जननेंद्रियों पर, साथ ही भयानक खुजली, तदुपरांत दर्द के साथ जलन होती हो, छाले परस्पर सटे हुए रहते हैं और उनमें पीप बहती रहती है, छालेदार विसर्प जिसमें बहुत अधिक खारिश हो, परिसर्पीय छाजन, छालों में सहसा तेज डंक लगने जैसा दर्द हो, तो क्रोटोन टिगलियम बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है। लक्षणानुसार क्रोटोन टिगलियम की 30वीं शक्ति को 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को सेवन करने से जितने भी कष्ट बताए गए हैं सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। चलते चलते एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।